आज हम संगीत के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हल करेंगे, गायन से संबंधित। फर्स्ट क्वेश्चन, माधव संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन है? ए चित्रंजन ज्योतिषी, बी पंडित विद्याधर व्यास, सी पंडित रामाश्रय झा, डी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र। इसका राइट ऑप्शन है पंडित चित्रंजन ज्योतिषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक जो हिंदुस्तानी एवं कर्नाटकी दोनों शैलियों में कुशलता प्राप्त है, बाल मुरली कृष्ण, बी सुधा रघुनंदन, सी एम आर गौतम, डी डॉक्टर के श्रीकांतन। इसका राइट ऑप्शन है ए बाल मुरली कृष्ण, जो कि हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों शैलियों में कुशलता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद के कुल कितने अंग माने गए हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका राइट ऑप्शन है वेद के 6 अंग माने गए हैं, इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह गायन शैली सबसे प्राचीन है, इनमें से कौन सी गायन शैली जो सबसे प्राचीन है? ए ध्रुपद, बी कयाल, सी ध्रुवा गायन, डी ठुमरी। तो जो गायन शैली सबसे प्राचीन है इसका राइट ऑप्शन है सी ध्रुवा गायन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम गान में कितने स्वरों का प्रयोग हुआ है? साम गान में कितने स्वरों का प्रयोग हुआ है? ए 3 स्वरों का, बी 4 स्वरों का, सी 5 स्वरों का, डी 6 स्वरों का। तो इसका राइट ऑप्शन है ए 3 स्वरों का। उदात, अनुदात और स्वरित, इन 3 स्वरों का प्रयोग हुआ है सामगान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाति तिरुनाल महाराज के नाम की छाप है? पद्मनाभ, बी पद्माचारण, पद्माचरण, तिरुमलेश, डी जलजास। इसका राइट ऑप्शन है ए पद्मनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में मृदंग, वीणा, वंशी, डमरू आदि वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में हमें मृदंग, वीणा, वंशी, डमरू आदि वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है या नहीं? ए गलत है, बी शायद, सी सही है, डी आशंक रूप से। इसका राइट ऑप्शन है सी सही है, ऋग्वेद में हमें मृदंग, वीणा, वंशी, डमरू आदि वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है। भावभट्ट ने संगीत के कितने ग्रंथ लिखे हैं? ए 6 ग्रंथ, बी 7 ग्रंथ, सी 8 ग्रंथ, डी 9 ग्रंथ। तो इसका राइट ऑप्शन है बी 7 ग्रंथ, भावभट्ट ने संगीत के 7 ग्रंथ लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारतीय संगीत में भातखंडे द्वारा कितने थाटों को मान्यता दी गई है? ए 7 थाटों को, बी 9 थाटों को, बी 5 ठाटों को, डी 10 ठाट को। तो इसका राइट ऑप्शन है भातखंडे जी द्वारा हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाटों को मान्यता दी गई है, इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रुपद की कितनी वाणियां हैं? ए 2 वाणी, बी 3 वाणी, सी 5 वाणियां,
और डी चार वाणियाँ। तो द्रुपद की कितनी वाणियाँ मानी गई है? इसका राइट ऑप्शन है डी चार वाणी। पहली है गोबरहारी वाणी जो कि मियाँ तानसेन की वाणी है, दूसरी वाणी खंडार वाणी खंडारी वाणी जो राजा सम्मोकन सिंह की वाणी है, डांगुर वाणी इसके प्रवर्तक ब्रजचंद्र हैं, नौहार वाणी इसके श्रीचंद राजपूत इसके प्रवर्तक हैं। तो ये चार वाणियाँ हैं। तो द्रुपद की कितनी वाणियाँ मानी गई है? तो इसका डी ऑप्शन राइट है चार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भीमपलासी तथा बागीश्री किस ठाट के राग हैं? ए कल्याण ठाट के, बी खापी ठाट के, सी भैरवी ठाट के, डी तोड़ी ठाट के। तो इसका राइट ऑप्शन है राग भीमपलासी और बागीश्री खापी ठाट के राग हैं, क्योंकि इनमें ग और नी कोमल स्वर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायकों के लिए तानपुरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तारवाद है, आपको बताना है सही है या गलत। इसका ए ऑप्शन है गलत, बी शायद, सी सही है, डी कम महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट ऑप्शन है गायकों के लिए तानपुरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तालवाद है, ये बिल्कुल सही है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमक किसे कहा जाता है? ए स्वरों को हिलाना, बी स्वरों का स्पर्श, सी स्वरों का गंभीरता पूर्वक कंपन, डी स्वरों को फैलाना। तो इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, स्वरों का गंभीरता पूर्वक कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कौन सा है? ए सारंग, बी भीमपलासी, सी कालिंगड़ा, डी सुवा। तो प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है कालिंगड़ा, क्योंकि कालिंगड़ा भैरव ठाट का राग है और ये मॉर्निंग में 4 से 7 बजे तक गाया बजाया जाता है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध दुर्सक स्वर कौन सा है? ए सड़ज, बी मध्यम, सी गांधार, डी निषाद। तो अर्ध दुर्सक स्वर कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है मध्यम, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब होरी नाम के गीत को धमार ताल में गाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए खयाल, बी ठुमरी, सी धमार, डी ठप्पा। तो इसका राइट ऑप्शन है जब होरी नाम के गीत को धमार ताल में गाते हैं तो उसे धमारी कहते हैं, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकारी का प्रयोग किस शैली में होता है? ए खयाल में, बी द्रुपद में, सी भजन में, डी दादरा में। तो इसका राइट ऑप्शन है लेकारी का प्रयोग द्रुपद गायन शैली में होता है, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवेली संगीत का संबंध किस गायन शैली से है? ए खयाल गायन शैली से, बी ठप्पा गायन शैली से, सी द्रुपद गायन शैली से, डी ठुमरी गायन शैली से। तो इसका राइट ऑप्शन है हवेली संगीत का संबंध द्रुपद गायन शैली से, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग मियां मल्हार और सारंग के मिश्रण से उत्पन्न हुआ राग कौन सा है? ए जयंत मल्हार, बी नट मल्हार, सी मियां की सारंग, डी शुद्ध सारंग। तो इसका राइट ऑप्शन है राग मियां मल्हार और सारंग के मिश्रण से जो राग उत्पन्न हुआ है उसको कहते हैं मियां की सारंग, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्य काल में कौन सा राग वर्गीकरण प्रचलित था? ए जाति गायन, बी रागांग वर्गीकरण, सी मेल राग वर्गीकरण, डी थाट राग वर्गीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन है मध्यकाल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मध्यम वाला राग कौन सा है? ए विभास, बी मल्हार, सी मारू बियाग, डी दरबारी। तो दो मध्यम वाला राग कौन सा है? मारू बियाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रय राग कौन सा है? ए केदार, बी सारंग, सी भैरव, डी मालकोंस। तो आश्रय राग कौन सा है? भैरव, क्योंकि भैरव भैरव ठाट का ही राग है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुतियों का परस्पर अंतराल स्वरों के अंतराल की अपेक्षा होता है। ए कम होता है, बी अधिक होता है, सी बराबर होता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए कम होता है, क्योंकि स्वरों का अंतराल ज़्यादा होता है और श्रुतियों का अंतराल कम होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है? ए 20, बी 24, सी 22, डी 21। तो इसका राइट ऑप्शन है 22। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आलाप करने की विशेष विधि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए स्वस्थान, बी सरगम, सी रागमाला, डी सादरा। इसका राइट ऑप्शन है स्वस्थान। प्राचीन काल में आलाप करने की विशेष विधि को स्वस्थान के नाम से जाना जाता है, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग में तिरुभाव का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ए बढ़त के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के स्वरों से छिपाने के लिए, बी प्रस्तुति में विभिन्न प्रकार की तानों के प्रयोग के लिए, सी रचना में मृदंग के बोलों के प्रयोग के लिए, डी आवाज के उतार चढ़ाव के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ए बढ़त के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के स्वरों से छिपाने के लिए, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनराज पंचरत्न कृतियों को कंपोज करने वाला कौन है? ए स्वाति तिरुनाल, बी श्यामा शास्त्री, सी त्यागराज, डी मृत्यु स्वामी दीक्षितर। इसका राइट ऑप्शन है त्यागराज। घनराज पंचरत्न कृतियों को कंपोज करने वाले त्यागराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेच कल्याणी एक है। ए उत्तरांग राग, बी जन्य राग, सी घन राग, डी वक्र राग। इसका राइट ऑप्शन है जो आंसर की में माना है उत्तरांग राग। वैसे मेच कल्याणी एक कल्याण का जो कर्नाटक संगीत में कल्याण को मेच कल्याणी भी कहते हैं, और कल्याण जो राग है पूर्वांग, इसका वादी स्वर गांधार, समवादी स्वर निषाद है, तो इसलिए यह पूर्वांग प्रधान राग होना चाहिए। आंसर की के अनुसार इसका राइट ऑप्शन है ए उत्तरांग राग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मेलकर्ता योजना में करहर प्रिया की संख्या होती है? ए 25, बी 22, सी 20, डी 15। तो इसका राइट ऑप्शन है, आधुनिक मेलकर्ता योजना में करहर प्रिया की संख्या 22, यानी कि बी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आधुनिक मेलकर्ता योजना में नट बेरवी की संख्या होती है A22, B25, C20, D15। तो इसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन राइट है इसका, 20। आधुनिक मेलकर्ता योजना में नट बेरवी की संख्या होती है, इसका सी ऑप्शन राइट है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शुद्ध ताट में यदि शाकी आंदोलन संख्या 240 है तो शुद्ध मध्यम के आंदोलन संख्या क्या होगी? A 270, B 288, C 320, D 360। तो इसका राइट ऑप्शन है 320। ऋषभ की 270 होती है और गंधार की 320 होती है, सॉरी ऋषभ की सडज की 240, ऋषभ की 270 और गांधार की 300 और मध्यम की 320 होती है और पंचम की 360 होती है। तो शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या इसका राइट ऑप्शन होगा 320, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षण गीत में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? ए राग के लक्षणों का, बी ध्वनि के गुणधर्म का, सी संगीत शास्त्र का, डी तानों के प्रकार का। तो इसका राइट ऑप्शन है, लक्षण गीत में हमेशा राग के लक्षणों का वर्णन किया जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन राइट है, राग के लक्षणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित V.N. भातखंडे जी ने राग वर्गीकरण हेतु कितने ठाटों का चयन किया? A 15 ठाटों का, B 22 ठाटों का, C 10 ठाटों का, D 12 ठाटों का। तो इसका राइट ऑप्शन है, पंडित भातखंडे जी ने राग वर्गीकरण हेतु 10 ठाटों का प्रयोग किया है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागराज स्वामी का जीवन काल किस शताब्दी से संबंधित है? A 15वीं शताब्दी से, B 17वीं शताब्दी से, C 14वीं शताब्दी से, D 13वीं शताब्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन है, त्यागराज स्वामी का जीवन काल 17वीं शताब्दी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी राग में मोहनम राग का नाम क्या है? A मालकोंस, B भूपाली, C दुर्गा, D सोहनी। तो इसका राइट ऑप्शन है भूपाली, हिंदुस्तानी राग में मोहनम राग का नाम है भूपाली, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग मालिका तिलसाना पहली बार किस संगीतज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया गया? ए त्यागराज द्वारा, बी रामस्वामी दीक्षितर द्वारा, सी बाल मुरली कृष्ण द्वारा, डी पंच मारबू द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, बाला मुरली कृष्ण द्वारा, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य भृत के विकृत स्वर हैं? ए तीव्रतर निषाद, बी कौशिक निषाद, सी अंतर गांधार, डी तीव्रतर गांधार। तो इसका राइट ऑप्शन है, आचार्य भृत की विकृत स्वर है अंतर गांधार और काकली निषाद, ये दो इन्होंने विकृत स्वर माने हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सी ऑप्शन राइट है, अंतर गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कलाकार मेरु खड़ी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? ए उस्ताद फियाज का, बी उस्ताद अब्दुल करीम का, सी बड़े गुलाम अली का, डी उस्ताद अमान अली का। तो इसका राइट ऑप्शन है, जो मेरु खड़ी गायकी के लिए जो प्रसिद्ध है, उस्ताद अब्दुल करीम का, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका सौंदर्य चिंतन आध्यात्मिकता, इनमें से किनका सौंदर्य चिंतन था जो आध्यात्मिकता? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी हिंगल, डी वाम गार्टन। तो इसका राइट ऑप्शन है, अरस्तु का सौंदर्य चिंतन आध्यात्मिकता, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वात्स्यायन ने कलाओं के कितने प्रकार बताए हैं? ए 60, बी 64, सी 62, डी 65। तो इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, राइट है 64 प्रकार बताए हैं वात्स्यायन ने कलाओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीटोन का अंतराल होता है 9:10, 8:9, 15:16, 10:15। तो इसका राइट ऑप्शन है सेमीटोन का अंतराल 15:16 होता है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंदोलन संख्या का संबंध किससे है? ए नाद का छोटा बड़ापन, बी नाद का ऊंचा नीचापन, सी नाद की जाति, डी ध्वनि उत्पादक पदार्थ। तो इसका राइट ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन राइट है, आंदोलन संख्या का संबंध नाद का ऊंचा नीचापन, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगिरी बिलावल का टाट बताइए। ए कल्याण टाट, बी खमाज टाट, सी बिलावल टाट, डी कापी टाट। तो इसका राइट ऑप्शन है देवगिरी बिलावल का टाट, बिलावल टाट है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण ध्वनि की मधुरता किस पर निर्भर करती है? ए मूल नाद एवं सहायक नाद के पारस्परिक संबंध पर, बी मंद्र और मध्य सप्तक पर, सी कंपन और आंदोलन संख्या पर, डी ध्वनि उत्पादक पदार्थ की लंबाई पर। तो इसका राइट ऑप्शन है मूल नाद और सहायक नाद के पारस्परिक संबंध पर ध्वनि की मधुरता निर्भर करती है, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, षड्ज और पंचम के बीच अनुपात है। ए 3:4, बी 2:3, सी 2:4, डी 8:9। तो इसका राइट ऑप्शन है पंचम और षड्ज और पंचम के बीच का अनुपात है 2:3, क्योंकि षड्ज की आंदोलन संख्या 240, पंचम की 360 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य संगीत में किस सप्तक में मेजर माइनर और सेमीटोन तीनों का प्रयोग होता है? ए नेचुरल स्केल, बी टेम्पर्ड स्केल, सी डायटोनिक स्केल, डी एक्साटोनिक स्केल। तो इसका राइट ऑप्शन है पाश्चात्य संगीत में मेजर माइनर और सेमीटोन तीनों का प्रयोग होता है डायटोनिक स्केल में, तो इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बातखंडे जी के अनुसार तीव्र मध्यम की आंदोलन संख्या है। ए 232, बी 256, सी 337 सही 1/2, डी 288। तो इसका राइट ऑप्शन है तीव्र मध्यम की आंदोलन संख्या 337 सही 1/2 होती है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आचार्य ने रस सिद्धांत के संदर्भ में चिंतावरण भंग की चर्चा की है? ए भरत ने, बी अभिनव गुप्त ने, सी केशव पांडे ने, डी पंडित राज जगन्नाथ ने। तो इसका राइट ऑप्शन है पंडित राज जगन्नाथ ने चिंतावरण भंग की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायन हेतु श्वास पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? ए जोर से गाना, बी बहुत धीरे से गाना, सी माइक पर गाना, डी प्राणायाम। तो इसका राइट ऑप्शन है श्वास पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राग ओडव जाति का है? ए जोकोस, बी तोड़ी, सी जोग, डी रागेश्वरी। तो इसका राइट ऑप्शन है कौन सा राग ओडव जाति का है, तो इसका राइट ऑप्शन है जोग। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।